जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। भैया जी, मैं कह रही थी कि मुझे है ना 551 रुपए भंडारे के लिए देना था। अच्छा अच्छा दीदी, तो आपका या तो आप ये आपका फोन पे है, गूगल पे है, मैं दोनों चलाते हूँ। आपको मतलब जो हम चलता फिरता भंडारा करते हैं उसके लिए देना है? हाँ उसके लिए। ठीक है, तो मैं आधा भंडारे भी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी मैं दे दूँगा। नहीं नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली फिर मैं आपको अपनी संस्था का नंबर देता हूँ, जो हमारा संस्था अकाउंट है ना। हाँ जी। जहाँ से हम पैसा यूज करते हैं ये। हाँ तो जी? आप उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है जी भैया जी जी। और उधमपुर के लिए भैया रहने के लिए वो आएंगे तो फिर कहाँ स्टे करना है इसका कुछ? उधमपुर आप कब आ रहे हैं? मैं आ जाऊंगी 29 को, 28 को आ जाऊंगी शाम पड़े। और आपकी यात्रा कब की है? मेरी 30 की है। अच्छा, हमारे साथ तो प्लान ही है ना आपका? नहीं, मैं इधर एमपी से हूँ, मैं क्या हेलीकॉप्टर से करूँगी तुम। अच्छा अच्छा, तो दीदी उधमपुर का ना 25 तारीख को एक बार मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा। 25 तारीख? हाँ जी हाँ जी भैया जी। तो आपको भी बता दूंगी कि हमारे भी 8-9 यात्री हैं जो उधमपुर रुकेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा 25 तारीख। बता देना, तो हम भी वहाँ के मम्मी के साथ में तो वहीं पर स्टे कर लेंगे। ठीक है ठीक है, मैं आपको वो भी जो भी जहाँ पे शाइन बोर्ड ने कोई ऐसी व्यवस्था की होगी ना उधमपुर जहाँ पे भी, तो मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आप वहाँ रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ जी हाँ जी भैया जी। बाकी मैं आपको बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।